आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ। जनता का कितना प्यार मिला? जनता का भरपूर प्यार मिला। 1990 में लव मैरिज किए थे हम लोग। उन लोगों को भी हम यही कहना चाहते हैं कि वे लोग भी अपने पैर पर खड़ा हों और जहाँ तक होगा हम उनकी सहायता करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। इसी बीच हम एक मुखिया के पास हैं। इनका नाम है रीना देवी, जो चौथी बार मुखिया बनी है। मतलब 15 साल इन्होंने काम किया और चौथी बार एक बार फिर मुखिया बनी हैं। कल ही इन्होंने चुनाव जीता है। क्या कहेंगी, चौथी बार चुनाव जीती हैं? जनादेश मिला हमको, हम चौथी बार चूँकि काम किए थे इसलिए जनता हमको मुखिया बनाई और हम इस बात से संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? जी जी। मतलब चौथी बार बनना गर्व की बात है कि नहीं आपके? गर्व हो रहा होगा पूरे गांव में, ये लोगों को चौथी बार घर परिवार में भी गर्व होगा। जी जी। महिला होकर आपने? जी। क्या कहेंगे? हाँ, हम चौथी बार हुए हैं। हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं जो चौथी बार हमको मुखिया के पद के लिए निर्वाचित किए हैं, वोट दिए हम लोग हमको और हम निर्वाचित हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काम कर रही हैं और यहाँ पे कुछ गांव ग्रामीण भी हैं जो देख रहे हैं काम। यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर भी आए। क्या कुछ काम किया है आपने? अभी फिलहाल तो नल जल का काम हुआ है जो कि हमारे पंचायत में लगभग पूर्ण है। थोड़ा एक आध जगह है उसमें गड़बड़ी जो कि सुधार लिया जाएगा इस टर्म में। आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ। जनता का कितना प्यार मिला है? जनता का भरपूर प्यार मिला है हमको। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? बीए तक। चर्चा है कि आपने शादी लव मैरिज से की थी? जी। 1990 में लव मैरिज किए थे हम लोग। उस समय से हमारा पारिवारिक जीवन, घर परिवार का विरोध भी हुआ होगा? घर परिवार के लोगों ने विरोध भी किया था? हाँ, विरोध तो ऐसे शादी में होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन चूंकि हम लोग अडिग थे इसलिए उस विरोध का सामना कर पाए। 2006 में पहली बार मुखिया बनी, उसके बाद 2011 में, 2006 में जो पहली बार मुखिया बनी, कहाँ से दिमाग में आया? कोई राजनीतिक तो आपके परिवार में कोई है था पहले? देखिए, कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं। हमको हमारे पति हमसे पूछे कि इस बार मुखिया का चुनाव तुमको लड़ना है, तो यही हमारे हमको बताया कि ऐसे ऐसे है। उसमें हम बोले कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या कर पाएंगे, हम बाहर नहीं जा पाएंगे, हम ऑफिस का काम कैसे देखेंगे, हम पंचायत में कैसे घर और पंचायत दोनों देखेंगे। तो इनको बोले, लेकिन ये बोले कि सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हम सोचे कि चलो। 2006 और 2021 कितना अंतर आया? अपने आप को कितना परिपक्व पाती है? 2006 में तो हमारे साथ ही थे, तो उस समय अभी भी हैं। इनकी मदद हमको काफ़ी मिली, बल्कि बहुत ज़्यादा इनकी मदद मिली। जहाँ कहीं भी हो, ऑन स्पॉट अगर हमको रहना पड़ता था तो वहाँ हम जाते थे, लेकिन फील्ड में फील्ड वर्क तो ज़्यादातर यही करते थे, आज भी करते हैं। अच्छा, और महिलाओं को क्या मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए? क्या कहेंगे और महिलाओं को लेकर जो घर में रह पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि आप आज अपने पैरों पर खड़ी हैं? उन लोगों को भी हम यही कहना चाहते हैं कि वे लोग भी अपने पैर पर खड़ा हों और जहाँ तक होगा हम उनकी सहायता करेंगे। जी। तो इन्होंने चौथी बार मुखिया बनकर एक मिसाल पेश की है अन्य महिलाओं को लेकर कि वो अपने क्षेत्र में अपने घर से बाहर निकलें और कुछ कर के जाएं। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।